इलाके में है। हमने काफ़ी सारे इलाकों का देखा तो हमने यही देखा कि 10% के करीब अभी तक अभी क्या टाइम क्या है अभी 3:30 तक अभी हम कहेंगे 10% अभी 2-3 इंच ही बर्फ गिरी है। अल्लाह के फजल से आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा अच्छा माल है और मुझे लगता है 20-30% से ज़्यादा माल इस साल पेड़ों में है। अभी शायद वेट कर रहे थे कलर का, कलर की वजह से ये थोड़ा हार्वेस्टिंग लेट हो गया, लेकिन अभी हम जो 19 तारीख की शाम को एडवाइजरी आई मौसमियात की तो हमने उसी वक्त बता दिया कि इमीडिएटली आप हार्वेस्टिंग में लग जाओ, सेब उतारो। लेकिन अभी इतना ज़्यादा सेब था इस साल, प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी तो पूरा नहीं उतर पाया। अभी 10-20% पेड़ों पर है जो अभी उतारना बाकी है। अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये रुक जाए, ये सिलसिला क्लाइमेटी रुक जाए तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह बचाएगा इस आजमाइश से। तो बाकी डिपार्टमेंट की हमदर्दियाँ साथ हैं, मेरे साथ यूनिवर्सिटी KVK अपना टेक्निकल स्टाफ पूरा अमला साथ है। तो हमने बता दिया पूरा फील्ड अमले को कि आप बागों में लोगों के साथ रहो और उनकी हौसला अफजाई करो, और अगर लगता है खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा नुकसान है, गवर्नमेंट की तमाम हमदर्दियाँ साथ हैं और जो भी पॉसिबिलिटी है चाहे रिलीफ की चाहे कंपनसेशन की किसी चीज़ की उसके लिए हम पूरे इंशाल्लाह रिकमेंड भी करेंगे। लेकिन खुदा वहाँ तक ना हमें पहुँचे, अल्लाह ताला हमें इससे पहले ही रहम करे। तो बाकी जो भी टेक्निकल गाइडेंस होगी, एडवाइजरी होगी, दूसरी होगी, वो हमने दी भी है और एडिशनल जो भी ज़रूरत होगी वो देते रहेंगे। शुक्रिया। नुकसान गो बीच पकान सिलसिल दुनिया चलो क्या पर्व लगे रूद हम थो के जो है साइंटिस्ट वो मेरे साथ आएंगे, उनको एक हम बनाएंगे ताकि आपकी हाजिरी हो जाए एक ही साइड में बना सका।